हेलो मैं नरेंद्र मोदी बोल रहा हूं। आप सबको मेरा सादर प्रणाम। मैं विभा हूं। इसी नाम की देश में लाखों लड़कियां होंगी, लेकिन मेरी कहानी थोड़ी अलग है। मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट के पाहू गांव में कोहरे की बड़ी गहरी चपेट रहती थी। एक दिन मैं स्कूल पहुंची तो मैडम जी ने सभी बच्चों को स्वेटर, जुराबे और दस्ताने पहनने के बावजूद कपकपाते हुए देखा तो कहने लगी, चलो बाहर चलकर बैठते हैं। सर्दियों की गुनगुनाती धूप में बैठकर सारे बच्चे ऐसे खिल उठे जैसे कुकर में पॉपकॉर्न फूटते हैं। फिर सिलाई निकाल के मैडम ने स्वेटर बुनना शुरू किया और साथ ही बच्चों को संस्कृत की किताब खोलने को कहा। पहले अध्याय का पहला पन्ना संतोष मैडम ने ऊंची आवाज में कहा, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। मतलब जहां नारी का सम्मान होता है वहां देवता स्वयं निवास करते हैं। ये बात मेरे दिल में उतर गई। बस कुछ ही महीनों में अंबे मैया की कृपा से मुझे मेरे जीवन का सबसे बड़ा उपहार मिलने वाला है। जब मुझे एमकॉम की डिग्री हाथ में मिली तो पिताजी की छाती गर्व से फूल गई। जल्द ही मेरे एक हाथ में डिग्री और दूसरे हाथ में मेहंदी लग गई और दोनों ही मेरे जीवन के महत्वपूर्ण पहलू बन गए। और अब तुम हमारे जीवन की सबसे अनमोल कड़ी बनने जा रही हो। माँ होने के नाते मुझे एहसास होने लगा है कि तुम कौन हो। लेकिन तुम्हें किस नाम से बुलाऊं कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। वैसे जिस तरह तुम मेरे पेट में उछल कूद मचाती हो, तुम्हें पता है तुम्हारे पापा क्या कहते हैं? सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास। अरे कितना सैर सपाटा करोगी, मम्मी का पेट है, कोई शॉपिंग मॉल नहीं है। मैं कह रहा हूँ सर फिर नाम ठीक रहेगा इसका। अच्छा बाहर आने दो, तुमसे सब हिसाब कर लेगी ये। हिसाब जो बित्ती भर की, हमसे हिसाब करेगी? पापा से हिसाब करेगी। अच्छा मित्रों, आज मैं आप लोगों के सामने अपने मन की बात कहने जा रहा हूँ। प्यारे भाइयों बहनों, मैं मानता हूँ कि कुछ बुरे लोगों की वजह से देश में क्राइम रेट बहुत बढ़ गया है, जिसके कारण स्त्रियों पे अन्याय होने की खबरें सुनने में आती हैं। भाइयों बहनों, ऐसी खबरें सुनकर मुझे बहुत दुख पहुंचता है, क्योंकि भारतवर्ष की सभ्यता में नारी सम्मान को बहुत ऊंचे स्थान पर रखा गया है। हमारे शास्त्रों में तो शुरू से ही लिखा है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। अर्थात जहां नारी का सम्मान होता है वहां देवता स्वयं निवास करते हैं। और क्या किया दिन भर, सब मजे में? सुनो ना, मुझे ना तुमसे एक बात कहनी है। हाँ कहो, ऐसे पूछने की क्या जरूरत है? नहीं,
बात कुछ ऐसी है कि... अच्छा, डिलीवरी के लिए घर जाना है हमको अकेला छोड़कर? अरे भाई, सरफिरी चली जाएगी तो हम किसके आगे पीछे चक्कर लगाएंगे, है ना बिटिया? नहीं, वो बात नहीं है। तो फिर मैं सोच रही थी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी खुद हमारे बच्चे का नामकरण करें, ठीक है? क्या हुआ, किस सोच में पड़ गए तुम? ओफो, अब ये कान तो मत खुजाओ। अरे हद है यार, हमारा कान है, 100 बार खुजाएंगे। ये लो। छी, कितने गंदे हो तुम। हाँ, हम ही गंदे हैं, तुम ही भली हो एक। अब इसमें इतनी झल्लाने वाली क्या बात हो गई? क्या हुआ? देखो, तुम दो काम करना बिल्कुल बंद कर दो। एक तो ये फिल्में देखना और दूसरा जीवन में किसी भी प्रकार के चमत्कार की उम्मीद करना। तुम फिर से भुड़कने लग गए। अरे ये फिल्म वाले लोग हम जैसी भोली भाली जनता को बेवकूफ बनाते हैं और तुम जैसे लोगों को उल्टे पुल्टे सपने दिखाते हैं कि प्रधानमंत्री जी आएंगे और बच्चे का नाम रख के जाएंगे। उनको तो कोई काम नहीं है ना। तुम देख रही हो ना असल जिंदगी कितनी अलग होती है। फिर अरे कुछ पड़ रहा है भेजे में विभाजी। वो तो ठीक है, पर ये बताओ कि प्रधानमंत्री जी कहाँ रहते हैं? बताओ ना, कहाँ रहते हैं प्रधानमंत्री जी? अरे प्रधानमंत्री हैं देश के, अमेरिका, जापान, लंदन, बड़े बड़े देशों में घूमने वाले शख्स को और कोई काम नहीं है क्या? आइडिया, मन की बात पर फोन करके पता करते हैं और उनसे वहीं बात कर लेते हैं। वाह, कितनी स्मार्ट हो तुम। दाल को मैंने उबाल दे दी, अब छौंक लगाने की बारी आपकी है। पता है, डॉक्टर ने कहा है कि सिर्फ 2 दिन बचे हैं, उसके बाद तुम कभी भी आ सकती हो। सच पूछो तो मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है। किस बात का, वो मालूम नहीं, बस डर लग रहा है। मैंने अपने जीवन में कोई खास सपने नहीं देखे, पढ़ाई, शादी, और अब तुम। देवी मैया की कृपा से सब अपने आप होता चला गया। हाँ, एक सपना है, जानती हो, सपना भी शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के जैसा होता है। आधा वो जो हम देखते हैं और आधा वो हिस्सा जो नहीं होता। हमें लगता है चंद्रमा केवल आधा है, लेकिन दूसरा हिस्सा छुपा होता है। जैसे जैसे मेहनत करते जाओ, छुपा हुआ हिस्सा खुद ब खुद सामने आने लगता है, और एक दिन हमारा सपना पूनम की रात सा हो जाता है। ओम श्री गणेशाय नमः। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं पाहू गांव की रहने वाली, आपसे एक विनम्र प्रार्थना है। ये लो, पहले पिन्नी खाना, कमर कस डाल के बनाइए, और दूध में हल्दी भी डाल दी है। अम्मा फोन पे हिदायत देती रहती है ना, कह रही थी सरफिरी का रंग और भी निखर आएगा। कोई चिट्ठी पत्री आई क्या? अरे घर में बिटिया रानी आ गई है, अब किस चीज की जरूरत है? पूरे 7 दिन हो गए हैं। अच्छा सुनो। हाँ? तुमने डिलीवरी के दिन ही चिट्ठी पोस्ट कर दी थी ना? फिर वही बात। अच्छा ठीक है ना, नाराज मत हो। जब तुम इस तरह से झल्लाते हो ना, तो लगता है सरफिरी ऊंघ रही है। अच्छा? और तुम्हारा चेहरा ऐन कछुए की तरह हो जाता है। और जब तुम नाक सिकोड़ कर ताने मारती हो ना, तो उसी कछुए की पत्नी लगती हो। कुछ भी। सूरज का कोई फोन वोन आया क्या? देख लो,
मामा बन गया है पर एक फोन तक नहीं किया। अरे आया था फोन उसका, और एक बार नहीं 5-6 बार आया था, और बहुत मस्करा है तुम्हारा भाई, आवाज बदल बदल के अलग अलग नंबरों से फोन करता है, फिर फोन काट देता है, बात ही नहीं करता। पर मैं तो पहचान गया था ना। अरे लेकिन वो फोन क्यों काटेगा और आवाज बदल कर क्यों बात करेगा? अब 2 बार तो फोन बजा तो स्क्रीन पर अननोन नंबर दिखा रहा था। बताओ जब कोई नंबर ही नहीं है तो फिर फोन कहां से कर रहे हो भाई? कहीं कोई खतरे वाली बात तो नहीं है? हेलो भरत जी, नमस्कार जी, मैं पीएमओ से बात कर रहा हूं। कौन? सूरज? मैं प्रधानमंत्री कार्यालय से बात कर रहा हूं, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? हाँ जी हाँ। फोन काटने की कोई आवश्यकता नहीं, आपकी धर्मपत्नी विभा जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी को एक चिट्ठी लिखी थी। जी हाँ, हमारी पत्नी ने हफ्ता भर पहले चिट्ठी लिखी तो थी। पत्र में जो भी लिखा था उस विषय में क्या मैं ये कॉल प्रधानमंत्री जी को ट्रांसफर करूं? भरत जी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? भरत जी, आप लाइन पर हैं? हाँ हाँ जी, यहीं पे हैं। हाँ, लाइन पे हैं। तो मैं ये कॉल प्रधानमंत्री जी को ट्रांसफर कर रहा हूँ, लाइन पे बने रहिए। नमस्कार, मैं नरेंद्र मोदी बोल रहा हूं। क्या मैं भरत जी से बात कर रहा हूं? नमस्ते प्रधानमंत्री जी, बहुत बहुत प्रणाम। आपकी पत्नी विभा जी का पत्र मिला, आपके घर में लक्ष्मी आई है, बहुत बहुत बधाई हो आपको। बताइए क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी? हेलो, माननीय प्रधानमंत्री जी, वो क्या है, हमने आपका कार्यक्रम सुना था रेडियो पे, मन की बात, आपने बेटियों के प्रति जो जागरूकता फैलाई है उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। धन्यवाद भरत जी। तो बताएं क्या चाहते हैं आप? जी, हमारी पत्नी चाहती है कि हमारी बच्ची का नामकरण स्वयं आप करें। मैं बोलूं। प्रणाम प्रधानमंत्री जी, प्रणाम। प्रणाम विभा जी, बिटिया के आने पे बहुत बहुत बधाई हो आपको। धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। वो क्या है ना कि बिटिया को आए हुए 1 हफ्ता हो गया है और हमें समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम बर्थ सर्टिफिकेट पे नाम क्या लिखवाएं, तो अगर आप अपनी बिटिया का नाम जी, मेरे विचार से आप अपनी बिटिया का नाम विभा और भरत जी, आप अपनी बिटिया का नाम वैभवी रख सकती हैं। वैभवी। आशा है आपको बिटिया का नाम पसंद आया। विभा जी, भरत जी, अब मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। प्रणाम प्रधानमंत्री जी, प्रणाम। ये तो शराब को हाथ भी नहीं लगाता, इसे क्या हुआ? क्या भैया, कुछ भी, का लंबी लंबी छोड़ रहे हो? समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, जिसको बोलूं वो ही मेरा मजाक उड़ा रहा है, अब आप ही बताइए साहब जी।
बड़ी होके सबको बताएगी तो कौन उसकी बात पे विश्वास करेगा। देखते हैं कि इस विषय में हम क्या कर सकते हैं। अरे हमने तो पहले ही कहा था, सिगरेट शराब को छूते तक नहीं है हमारे भरत भैया। भाई जो भी कहो, बंदे में दम है। आज संडे है, क्या प्लान है? पता नहीं, तुम बताओ। पिक्चर देखने चलते हैं। mm-hmm.